भजन सतगुरु तेरा ही आसरा, बहन शमा लवली इंसा भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं कृपया जल्दी आप मजलिस पंडाल में आकर बैठें, और जो बहन भाई यहां खड़े हैं सभी अपने अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। पूजा गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोला है। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, बहन शमा लवली इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाल प्रेमी नरेश जी इंसा रूढ़ की भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अखा ना मिला के अखिया, अखा ना मिला के अखिया, एवें ना रुवा दाता। प्यारे प्यारे मुखड़े
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नरेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, पूज्य हजूर पिताजी द्वारा जो ये अनमोल प्रेम निशानियां दी जा रही हैं, ये किसी से भी किसी किस्म का कोई पैसा दान चढ़ावा या चंदा आदि इकट्ठा करके नहीं दी जाती, बल्कि ये तो आश्रम के सत ब्रह्मचारी सेवादारों की नेक व मेहनत की कमाई में से दी जाती हैं जी। और ये कोई दिखावा भी नहीं है जी। और ये सेवादार भाई बहन सतगुरु जी की प्रेरणा अनुसार साध संगत को पानी पिलाना, लंगर बनाना, लंगर खिलाना, छायावान लगाना, खेतीबाड़ी आदि कार्यों में सहयोग करना और इसके अतिरिक्त अपने अपने ब्लॉकों में गरीब जरूरतमंदों की हर संभव मदद करना इत्यादि मानवता भलाई के कार्य करते हैं जी। जैसे जैसे जिसकी सेवा होती है ये दातें उसी हिसाब से ही सेवादारों को दी जाती हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे इंसान जी तुझे ख्याल नहीं सरदारी जिसकी वही, अरे इंसान मिली वही जून कर ध्यान कर ध्यान। अरे इंसान जी तुझे ख्याल नहीं सरदारी जिसकी मिली, अरे इंसान मिली वही जून कर ध्यान कर ध्यान। प्यारे इंसान जी आजादपन तुझे मिला किसे नहीं, ये खूबिया आजादपन तुझे मिला किसे नहीं, मालिक का ये अपनापन तुझे मिला किसे नहीं, तू इसी जून में सवार सकता दो नजर, तू इसी जून में सवार सकता दो नजर। इंसान जी तुझे ख्याल नहीं सरदारी जिसकी मिली, अरे इंसान मिली वही जून कर ध्यान कर जा। सतगुरु से अभी मिल के जून को सुधार ले, सतगुरु से अभी मिल के जून को सुधार ले। Thank you.
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तू बाप तू मां हो सतगुरु सोनिया, सतगुरु सोनिया तू है ठंडड़ी, तू है ठंडड़ी छां हो सतगुरु सोनिया, रहे जुबां ते, रहे जुबां ते तेरा नाम हो सतगुरु सोनिया, तू बाप तू मां हो सतगुरु सोनिया, तू बाप तू मां सोनिया। सपना ए दुनिया ए देश बेगाना, तेरे चरणां च, तेरे चरणां च मिल गई थां हो सतगुरु सोनिया, तू बाप तू मां हो सतगुरु सोनिया, तू ठंडड़ी मिठड़ी छां ओ सतगुरु सोनिया। जग विच फिरदे लोक बथेरे, तैनू वेखण मेरिया अखां, एक एहसान होवे तां दसां, गिणे ना जान करोड़ा लखां, सुने जग विच लोक बथेरे, तैनू वेखण मेरिया अखां, जानू वद तेनू प्यार करां हो सतगुरु सोनिया, तू बाप तू मां हो सतगुरु सोनिया।
तू सतगुरी सोनिया रहे जुबो ते तेरा ना हो सतगुरी सोनिया इश्क दी रीत चलाई करनी सच्ची प्रीत सिखाई तू इश्क दी रीत चलाई हो करनी सच्ची प्रीत सिखाई मैं नी माणी कुछ ना जाना फड़ली मेरी बाहो सतगुर सोनिया तू बाप तू मां हो सतगुर सोनिया तू ठंडड़ी मिठड़ी छाव सतगुर सोनिया रहे चुबक तेरा ना हो सतगुर सोनिया हर पिंड शहर गरां हो सतगुर सोनिया ठंडड़ी मिठड़ी तू छां हो सतगुर सोनिया तू बाप तू मां हो सतगुर सोनिया तू बाप तू मां हो सतगुर रहे जुबों ते तेरा ना
सतगुरु नूं छड्ड के दुनियादारी बारे, अगर दुनिया का प्यार किदां दा है। चरनी जागिरिया जिंदगी मेरी ने ऐसा कर बटली ता मेरे पिते बख्श गुना ओए सतगुर सोनिया मेरा तू बाप तू मां ओ सतगुर सोनिया तू ठंडड़ी मिठड़ी छां ओ सतगुर सोनिया रहे जुबो ते तेरा ना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजनवाजी प्यारी सत्संग जीओ, सच्चे मुर्शिदे कामिल सतगुरु दाता रहबर के गुणगान, जिसने अपने रहम करम से नवाजा हो उसके प्यार मोहब्बत की चर्चा एक भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करती हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे सतगुरु जहां है निज धाम वहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां खुशियां वहां गुरु जी जहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां मेरे सतगुरु जहां निज धाम वहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां खुशियां वहां गुरु जी जहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां संग प्रीत सच्ची है रीत लगी रहे ये उम्र भर दोनों जहां में आपके हो दर्श ऐसी दया दो हम पर जिकर चरणन में मेरे दोनों जहां सतगुरु जहां
निज धाम वहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। चुकाएंगे हम राजमीर है अब की जागीर में हर से तुझे सौंप पाएंगे। रही वहां मेरी मुर्शिद जहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। खुशियाँ वहाँ गुरुजी जहाँ तेरे चरणन में मेरे दोनों जहाँ। हमारे पास कुछ ना हमारा है तन मन धन जो हमारे पास दिया हुआ जी तुम्हारा है। ना जहां कुछ ना वहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। सतगुर जहां निज धाम वहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। खुशियां वहां गुरु जी जहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। प्यार से तूने सीजी दिया तेरी नजर से नजरे जी जाम दाता जी हमने बीजी लिया। साथ तेरा यहां पुन रहे तन्हा तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां।
बदले किस्मत हमारी, मिलती रहे हर पल हमें, खून रगों का हमारे चल फिर से तुम्हारे, हर श्वास में याद करे तुम्हें। चरणन में मेरे दोनों जहां, खुशियां वहां गुरु जी जहां, मेरे चरणन में मेरे दोनों जहां, सतगुरु जहां धाम वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। सत्य नाम जी, मालिक नाम जी, दोनों जहां में गूंजे सदा, तेरे दर्श से सब हुए मस्त, युदा दो जहां से तेरी अदा, इशारा यहां दोनों जहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां, खुशियां वहां गुरु जी जहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। ये मीत भीम के गीत लिखे हैं मेरे तुम्हारी से, अपनी मेहर से आप ही लिखाए, ये कामना हो बुद्धि हमारी से, चरण रखे यहाँ चाय पल के वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां, सतगुर जहां निज धाम वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां, खुशियां वहां गुरु जी जहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां, चरणन में मेरे दोनों जहां। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। सतगुरु पीरो मुर्शिदे कामिल के दर्श दीदार जब जीव आत्मा पा लेती है, वो तड़फती हुई पुकारती है, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मौला, तू यहां निज धाम वहां, यहां तू है वहीं सब कुछ है, मेरे लिए जन्नत स्वर्ग सचखंड अनामी सब बौने हैं, क्योंकि मेरे लिए तू ही सब कुछ है, तेरा दर्श दीदार
अरबों खरबों को एक पल में तार सकता है, तेरा दर्श दीदार मुर्दों में जिंदगी डाल सकता है, तेरा दर्श दीदार आवागमन के चक्कर को खत्म कर सकता है। हे मेरे रहबर साईं, बस मुझे तेरा दर्श दीदार चाहिए, मुझे दाता चाहिए, दात नहीं। जब जीव आत्मा तड़पती हुई पीरो मुर्शिदे कामिल से ऐसी पुकार करती है तो सतगुरु मौला को दर्श दीदार देने पड़ते हैं। चाहे जीव कितनी भी दूर हो वो उसे अंत्यकरण से दर्श दीदार देते हैं, दया में रहमत से नवाजते हैं और अंदर बाहर खुशियों का आलम छा जाता है। सतगुरु के दर्शन को जी लोचता है, आत्मा तड़पती है, पर पूरी उन्हीं की होती है जो ताउमर वचनों पर अमल करने की कसमें नहीं खाते बल्कि रीत निभाते हैं। चलते चले जाते हैं, मालिक तू जाने तेरा काम जाने, हमने तेरा पल्ला पकड़ा है। चकोर कभी नहीं कहती कि चंद्रमा तू क्यों नहीं आता, वो तो उड़ती चली जाती है। उसी तरह मेरे साईं, तड़फ जरूर है कि तू दर्श दीदार दे, पर सुमरन करेंगे, तेरी भक्ति इबादत करेंगे, सेवा करेंगे, नेक भले काम करेंगे, दर्श जरूर देगा तू। मुझे तेरी जात पे नाज है, मुझे तेरे पे विश्वास है, तू दोनों जहां का दाता है और कभी किसी को तड़फाता नहीं। तो वास्तव में यही सच है। दास ये मीत प्रेम के गीत लिखे है मेहर तुम्हारी से, अपनी मेहर से आप ही लिखाई, ये काम ना हो बुद्धि हमारी से, चरण रखें यहां बिछाएं पल के वहां। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, तू यहां यहां भी चरण रखता जाए, तेरा मुबारक चरण यहां पड़े, ऐसा हो मैं पलकें बिछा दूं, तेरे चरण कमल उन पलकों पे रखे जाएं, नीचे ना हो। सो कहने का मतलब, मैं तेरी याद में इतना तड़फूं कि तू मेरी आंखों में समा जाए, पल पल में नजर आए लेकिन तभी जब तू मेरी आंखों में समा जाए। मैं आंखें बंद करूं तो तू, खोलूं तो तू, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। पर अगर जीव आत्मा अमल करे, अगर विश्वास करे, तो मालिक अंदर बाहर कमी नहीं छोड़ते। तो यही इस भजन में आया था जी। बर्मिंघम इंग्लैंड से बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो बेटा। रिशु इंसा, आप स्क्रीन पे हमें नजर आ रहे हो, बोलो बेटा। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आशा जी। जी बेटा। पिताजी आपकी दया मेहर और बहुत प्रेम बताती है हमारे परिवार से, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। जी पिताजी, मेरे घर नए जीव ने जन्म लिया है जी, मैं उसको आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ। जी बेटा। पिताजी आप इस पर अपनी दया दृष्टि डाल दें जी। हाँ जी बेटा, आपने गोद में उठा लिया है, आशीर्वाद मालिक इसे खुशियां बख्शे, नेक इंसान बने, मालिक से दुआ मांगते हैं बेटा, आशीर्वाद। आपका दया मेहर हाँ जी हमेशा बनी रहेगी। जी बेटा। पिताजी आपकी आज्ञा हो सकती है तो थोड़ा सा और भी आपकी रहमत का जिसका छोटा सा बयान करना चाहते हैं जी। जी बेटा जी। पिताजी हम इंग्लैंड में, मेरे हस्बैंड आए थे जी 4 साल पहले। जी बेटा। 5 साल पहले हाँ जी। तो हमें पिताजी इस कंट्री में लास्ट इसी नवंबर में लास्ट में इंटरनेट से हो गई है जी, हमारी कंट्री में आपकी रहमत की जी। और पिताजी इस हमारी इस कंट्री में परमानेंट रेजिडेंट जी बेटा, हमारी इस कंट्री में परमानेंट स्टे हो गई है जी, इसमें थोड़ी अड़चन भी आई थी लेकिन आपकी दया मेहर से वो अड़चन भी दूर हो गई और सारा कुछ ठीक ठाक हो गया जी। जी बेटा, मालिक ने रहमत की, सतगुरु ने रहमत की बेटा, मालिक ही अड़चने दूर करने वाले हैं। आप सेवा सुमरण करती रहिए, बचनों पे पक्के रहिए, मालिक हमेशा खुशियां बख्शते हैं बेटा। हाँ जी पिता जी, मैं आपसे आपसे मेरी एक बार पहले भी बात हुई थी, आपका आशीर्वाद लिया था बेटा होने से पहले जी। जी तो आपने वचन फरमाए थे जी के ग्रंथ आप पढ़े और मैंने वो ग्रंथ पढ़ा पिताजी, और ग्रंथ पढ़ने के बाद तो जो आपने करिश्मे दिखाए मैं बयान ही नहीं कर सकती जी बेटा।
और पिताजी जिस दिन ग्रंथ मेरे को मिला जी, उसी दिन जो थोड़ी अड़चन आई थी प्यार मिलने में, वो उसके नेक्स्ट डे ही वो दूर हो गई पिताजी। मेरा यही विश्वास है कि ग्रंथ आते ही मेरे हाथ में मेरी अड़चन दूर हो गई। जिसको विश्वास है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपके साथ हुआ, सारी अड़चने दूर हो जाती, वाकई सच जी। उसी रात ही मुझे परमपिता शास्त्र राम जी के भी दर्शन हुए थे जी। बेटा मालिकी कर्ण ग्रावण हार है। और पिताजी परमपिता शास्त्र राम जी के दर्शन जिस दिन मेरा बेटा हुआ पिताजी, उससे उसी रात मुझे पिताजी के द्वारा दर्शन हुए। और सपना भी एक ऐसा आया कि मैं बयान भी करूँ तो मुझे मेरी समझ से बाहर है जी। बेटा पिताजी मैं आगे ले सकती हूँ बयान करने के? जी बेटा। पिताजी उस रात ये हुआ कि मेरे को ऐसा सपना आया कि मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ टेंट पे, और जी मेरे पास एक इतना खतरनाक डॉगी कुत्ता बैठा है कि मैं बता नहीं सकती वो कितना बहुत बड़ा है, बड़े बड़े दांतों वाला। और जी उसने मेरी बाजू पे इतने जोर से दांत गड़ाए कि मैं मतलब मेरी जान निकलने वाली होती है, लेकिन मेरे सामने एकदम ही परमपिता शास्त्र राम जी कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं जी आके, और वो उस कुत्ते से कहते हैं कि तेरे में जितनी शक्ति जितनी ताकत है तू उससे इस लड़की के बाजू पे दांत गड़ा। और पिताजी मैं सोचती हूँ कि बस आज मेरा अंत है, लेकिन पिताजी उसके दांतों से मुझे एक खरोंच तक नहीं आई और परमपिता शास्त्र राम जी का हाथ मेरे ऊपर आशीर्वाद की तरह रहा जी। बेटा कोई बहुत भयानक कर्म होता है, सदगुरु मौला जिसे अपनी रहमत से काट देते हैं जैसा आपको काटा। हाँ जी। और पिताजी नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल में गई हूँ और मेरा पिताजी जो दर्द और दुख है पिताजी ने सिर्फ आपने सिर्फ एक डेढ़ घंटे में भुगता दिया। बहुत पिताजी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए। बस बेटा मालिक करने वाले हैं, हम दो खाकसार हैं बेटा, सतगुरु मौला हैं जो दोनों जहाँ के साथी हैं, हर समय साथ निभाते हैं। दूर आए और हमारे घर अपने पवित्र चरण जरूर डाले पिताजी। बेटा जब मालिक ने चाहा तो जरूर आएंगे। पिताजी आप ही जाने वाले हो, आप ही मालिक हो। बेटा मालिक जर्रे जर्रे में है, हम तो बेटा मालिक से दुआ करने वाले हैं, खाके मालिक जरूर रहमत करते हैं जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, सतगुरु ने उन्हीं रूप में दर्शन दिखा देते हैं बेटा। पिताजी ने हमने अभी 31 तारीख को नाम चर्चा भी करवाई थी अपने घर में, इतना नजारा इतना आनंद आया कि बस आपकी रहमत ही रहमत है जी चारों तरफ। बेटे एक महीने का हो गया था जी मेरा जी बेटा, मैं साउथ हॉल लंदन से आए थे नाम चर्चा करने के लिए, और बहुत अच्छा हमारा इतना आपकी बहुत रहमत करती पिताजी जी। बेटा बस दृढ़ विश्वास यूं ही बनाई रखे बेटा, और इस बच्चे के लिए जब भी इसने कुछ देते हैं सुमण करके बना के दीजिए, मालिक खुशी देंगे बेटा। पिताजी बस आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों में हमारा ध्यान मन कर्म ऐसे ही लगा रहे और आगे भी हम आपकी रहमत ऐसे ही पाते रहे जैसे हमें अब मिल रही है जी। बेटा आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आशीर्वाद पिताजी जी। बेटा आशीर्वाद। तो प्यारे सत्संग जी, ये इंग्लैंड से बात कर रहे थे, अब आते अपने देश विदेश में, सत्संग अपना काम धंधा करते हुए उस कनेक्शन पर 456 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव मजलिस सुन रहे, सबको आशीर्वाद आशीर्वाद जी आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 624 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रही है सुन रही है जी, सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे बेटा आशीर्वाद। लाइव मैसेज है जी, प्यारे पिताजी आप जी की पावन रहमत से, ये हैं जी अंकुर जैन भंगीदास इंग्लैंड के, आप जी की पावन रहमत से इंग्लैंड की सात संगत ने गत दिनों लगाए गए ब्लड डोनेट कैंप में 48 यूनिट ब्लड डोनेट किया है जी। जब हमने ब्लड डोनेट के कैंप डॉक्टर से पूछा और बताया कि डेरा सच्चा सौदा के बारे में, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने आप जी द्वारा चलाई मानवता भलाई के कार्यों की दिल से प्रशंसा की। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, अगर आप सुन रहे हैं तो आशीर्वाद, शाबाश अच्छे नए काम करते हो। कोई अपने गुरु मुर्शिद कामिल की उपमा करता है तो मालिक आपको दया में रहमत से जरूर नवाज देते हैं बेटा, कमी नहीं छोड़ते आशीर्वाद। वेदपाल इंसान कुसुम इंसान बरोना इटली से लाइव मैसेज, आज वेदपाल इंसान का जन्मदिन है, कड़ा प्रसाद बनाया है, इधर से एक बड़ा सा होंका आया है,
जी चलो आप जी अपनी पावन दृष्टि डाल दें जी। जी बेटा हाँ हलवा बड़ा है सामने, तो प्रसाद बन गया बेटा आशीर्वाद, और मालिक आपको खुशियां बख्शे, प्रसाद बन गया बेटा आशीर्वाद। सनी इंसा सैक्रामेंटो यूएसए से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी आज मेरा हाई स्कूल डिप्लोमा का टेस्ट है जी, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहता हूं, पेन पर आप जी की दृष्टि डलवाना चाहता हूं जी। जी बेटा दो पेन है आपके, हरे और ऑरेंज कलर का यहां से नजर आ रहा है, तो आशीर्वाद सिमर करते रहना, मालिक साथ है बेटा, बचनों पे रहना, पूरी मेहनत पूरी लगन से पेपर देना, पूरा आशीर्वाद। शास्त्री गर्ल्स स्कूल व कॉलेज श्री गुरु सरमुड़िया राजस्थान लाइव मैसेज है जी, नेशनल योगा की जमुना नगर हरियाणा में हो रही है, उसमें चार खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। चारों खिलाड़ी बेटा कहां है, खड़े हो जाएं जी, अगर आवाज नहीं जा रही तो आपको आशीर्वाद, स्मरण करते रहना, बचनों पे रहना, पूरा जोर लगाना, आशीर्वाद। हमारे स्कूल के 61 छात्र व 3 टीचर पावन भंडारे पर टूर पर आए थे जी, आप इन्होंने बहुत खुशियां दी, इसके लिए आप जी का तहे दिल से धन्यवाद। टूर वाले छात्र व टीचर एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियंस का हौसला बढ़ाने के लिए उनके लिए 5100 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। प्यारे पापा जी हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर देना, कोई बात नहीं बेटा ना लगा दीजिए माफ, मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद। विदेश जाना है जी, मास्टर मनप्रीत इंसा, पलविंदर सिंह इंसा, गुरमेल कौर इंसा, बीरपाल कौर इंसा, सबको आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, श्रम कर देना, बचनों पे देना, मालिक साथ है बेटा, सबको आशीर्वाद। बहुत से विदेशों में परिवार हैं जो लाइव पे बैठे हैं जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक दया में रहम से नवाजे। शास्त्री गर्ल्स कॉलेज सरसा थ्रो बॉल के 3 खिलाड़ियों का जूनियर एशिया टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ है जी, बहुत आशीर्वाद बेटा, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ दे। तो ये देखिए प्यारे साथ संगत जी, इस तरह से बच्चे एशिया और वर्ल्ड में जाते हैं, ये 3 बच्चियां का भी सिलेक्शन हो चुका है, तीनों बच्चों का, 3 लड़कियां हैं और कोई इनका प्रोफेशनल कोच नहीं है, बस थोड़ा बहुत कभी हमने बताया होगा, लेकिन ज्यादातर इनकी मेहनत सदगुरु की रहमत काम करती है, सो हिम्मत करना बेटा, बचनों पे पक्के रहना, तो मालिक आपको खुशियां बख्शे, मालिक से दुआ करते हैं आशीर्वाद। इंटर कॉलेज स्टूडेंट सिंपोजियम में पहला स्थान हासिल किया जी, इस खुशी में दिन दुखे माध्यम बैंक में 1111 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, मालिक खुशी बख्शे, प्रसाद लेना सभी लोग एशिया में जाने वाले, और आप भी प्रसाद लेना बेटा आशीर्वाद। कैंटीन सेवाधर भाई 500 और बहने 500, गैर हाजिरों का नाम तो क्या लेना है, सो आप हाथ खड़ा करें, कैंटीन सेवाधार जितनी आपने सेवा की है, सेवा से बढ़ चढ़ के सेवा से मन सत्संग का फल मालिक आपकी झोली में डाले, दया में रहमत से नवाजे, प्रसाद ले लीजिए घरों के लिए भी और खुद भी लीजिए, और इधर भी प्रसाद ले लीजिए घरों के लिए भी, आपको आपको परिवारों को मालिक दया में रहमत से नवाजे, माला माल करे, बहुत बहुत आशीर्वाद, सेवा से मन सत्संग भंडारे का फल मालिक आपकी झोलियों में डाले आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लीजिए। कैंटीन के इन सेवादार भाई बहनों ने भंडारे की खुशी में 2,40,000 रुपए दीन दुखी मध्य में बैंक में जमा करवाए हैं और 60 यूनिट खूनदान भी किया है, शाबाश शाबाश सेवादारों, मन और तन से सेवा करते हो, साथ में धन से भी सेवा करते हो, तीनों तरह की सेवा, सुमालिका आपको परिवारों को दिया मेरे रहम से नवाजे, माला माल करे, खुशियां बख्शे, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आशीर्वाद लेना सारे संगत को, अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद है जी, शादी का कार्ड देना पकड़ा दीजिए सेवादारों को, घरेलू परेशानी है दोनों परिवार के जितने भी मेंबर हैं, तो इकट्ठे बैठ के सुमन करो घंटा सुबह घंटा शाम 2-3 महीने लगातार, या सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम सिमरन के साथ साथ अगर घर में खाना नाम जप के बनाओ तो बहुत जल्दी मालिक की दया में रहमत और घरेलू परेशानी दूर, लाखों की दूरी है मालिक ने चाह, आपकी भी जरूर दूर होंगी। बच्चे का नाम रखवाना, अपना पवित्र ग्रंथ खोलो, पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख लो, सुमरन नहीं चलता, सुबह 2 से 5 के बीच में घंटा सुमरन करो, चलते फिरते सुमरन करो, खाना नाम जप के बनाओ, मालिक ने चाह तो सुमरन चलेगा। शादी की तारीख लेनी है सत्संग के नजदीक शुक्रवार शनिवार शाम का समय आप रख सकते हैं जी आशीर्वाद। बेटी का गोदनामा करवा के आए हैं, गोद लेने देने वाले माँ बाप ने नेत्रदान का भी फॉर्म भरा है, गोद देने वाले बाप ने 1 यूनिट खूनदान किया है, दोनों परिवार ने भलाई फंड में 7200 रुपए जमा करवाए हैं जी, बच्चे का नाम ए पे रख लो बेटा आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, शाबाश, बहुत बड़ी बात, मालिक खुशियां बख्शे, आ जाए परिवार।
ब्लॉक बृटना में श्री गंगानगर से आंखी की जोड़ियां लेकर नेत्रदानी हरनेक सिंह में हाकम सिंह बच्ची में सो आंखें दान महादान है जी। परिवार खड़े हो अगर वो लेके आए आंखें जी बेटा, मालिक आपको परिवार को खुशियों से नवाजे, जिन्होंने आंखें दान की उनको भी प्रसाद देना, सबको मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। आ जाए भाई परिवार। ये ब्लॉक मुंड की जिम्मेदार सेवादार नाम चाचा घर में शेड बनाने की आ गया जी, आ गया है 50 नंबर में, मिल लीजिए। एक भाई जाम मिलने के बाद कैंसर की बीमारी काफी हद तक ठीक हो गई, दिन दुखी मध्य में बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाना चाहते हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। दिन रात सिमरन करते रहो बेटा, दिन रात सिमरन करो, मालिक रहमत करने वाले हैं जी। ये देने वाले परिवार, ये लेने वाले, जैसे अपने बच्चे को रखते हैं वैसे रखना बेटा, प्यार करना, डांटना, समझाना बिल्कुल ही वैसे। सो नारा लगा के दीजिए बेटा, नारा लगा के आप नारा लगा के दे दो, आप नारा लगा के ले लो बेटा जी। तो बहुत बड़ी कुर्बानी है बेटा आपने जो अपना बच्चा दिया है, सो मालिक आपको खुशियों से नवाजे, दिया में रहमत करे, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद मालिक बहुत खुशियां बख्शे, बहुत बड़ी बात है बेटा। घरों के लिए प्रसाद ले जाइएगा, सबको आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। श्री गुरु सर से दो किसान भाई, बिना खाद के सिर्फ एक पानी से तैयार होने वाली गेहूं की किस्म इजाद की है जिसमें जड़ें 4 फुट लंबी होती हैं जी। श्री गुरु सर से जी जी, तो इन्होंने कहते जी हमने नई गेहूं तैयार की है जी बेटा, आप दिखाइएगा यहाँ जरूर, बाद में देखेंगे बाद में। और यहाँ अपने साइंटिस्ट भी हैं, वो भी रिसर्च करते रहते, बहुत बढ़िया बात है, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। क्योंकि इस पर रिसर्च लगातार चल रहा है कि जैसे जो पंजाबी जी कहते खब्बड़ जो हुंदा है उसका और गेहूं का क्रॉस करके कि गेहूं को पानी ना देना पड़े, ये भी अपना एक साइंटिस्ट है जो राष्ट्रपति से गोल्ड मेडलिस्ट है हिमाचल के, वो भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और आपने अगर जड़ें बनाई, जड़ों की तो बात है कि लंबी जड़ें हो जाएं तो नेचुरली गेहूं को पानी बहुत कम देना पड़ेगा, बाकी उसके झाड़ भी उत्तम हो तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने ये रिसर्च कर भी ली है तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो इस बार भी आए थे हमसे चर्चा, वो जापान, इंग्लैंड, बाहर विदेशों में भी जाते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट हैं वो जी। तो आपने तो भाई कमाल कर दी अगर ये बात है तो, सिर्फ एक पानी से तैयार हो जाती है इन्होंने लिखा, वाकई खब्बड़ नू पानी कोई बहुत होता है, सो एक दो पानी की जरूरत होती है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है अगर आपने वाकई इजाद की। शास्त्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का प्रसाद लेने वाले 3 बहनें और 1 भाई, इन जो आए हैं दोनों लड़के, इनको प्रसाद देना भाई। गुरु सर मोड़िया से आए, जो गुरु सर मोड़िया वाले हैं ना शायद, तो गुरु सर तो और भी नाम है, एक पूरा नाम नहीं लिखा तो आपने, हाँ वही ना आपने, सिर्फ गुरु सर तो एक और भी है, तो ये गुरु सर मोड़िया नहीं लिखा, लिखने वाले कल भी रह गए थे, कौन थे आज मिलाना, कल भी वो नहीं आए, कौन थे, किसने लिखा था, कल भी था ना मिस्टेक कोई, आगे आ जाओ पीछे मिलते नहीं है, आगे आओ सामने, कल भी आपने गलत लिखा था, आज भी आप ही लिखते हैं, ठीक है फिर वो ही है, फिर आ जाओ इधर, ठीक है कोई नहीं, कल नो हंस के दिखाई। इनकी ये बड़ी खासियत है, हलवा खाते हैं गलती पे गलती करते हैं और फिर मुस्कुराते हैं कि मैंने देखा कितना बड़ा तीर मार दिया, कोई नहीं काका दो दिन बाद पूछेंगे जी। और आगे है जी, घर जाने के आगे लेने 7 दिन 10 दिन 33 दिन वाले मिस्त्री, 7 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन 22 दिन 26 दिन 30 दिन 32 दिन 38 दिन 36 दिन 45 दिन 115 दिन वाले भाई बहन सेवा करके जा रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद मालिक दिया मेरे रहमत से नवाजे। और 3 बहनें और 1 भाई जो ग्रीनेस वाले, वो जो खड़े होकर जोर से नारा बोल दो जी बेटा। और जो जाने वाले वो घरों के लिए प्रसाद लेना, सारे परिवारों को कहना पे दिन आशीर्वाद भेजा, मालिक दिया मेरे रहमत से नवाजे, खुशियां बख्शे। 3 वचनों में गलती हुई है, खड़े हो जाओ। पहली बार शराब नहीं पीना, मांस अंडा नहीं खाना, पर पुरुष पर आई औरत, 3 परहेजों में गलती है तो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए जिनसे पहली बार गलती हुई है। मालिक से प्रार्थना में दुआ करके आपको आशीर्वाद कहने जा रहे हैं, जब तक हाथ आपकी तरफ आए उससे पहले पहले खड़े हो जाना, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। और जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक सदगुरु जरूर माफ करेंगे, आइंदा बचने में गलती ना करना। बाकी कई बार होता है अनजाने में कोई बिस्किट खा लिया, उसमें एक एग अंडा था, केक खा लिया उसमें अंडा था, पेस्ट्री वगैरह, या कोई ऐसा गिलास जिसमें लगा कि पहले शराब थी पानी पी लिया, अनजाने में अगर ऐसा हुआ तो कितनों से भी हुआ है जिन्होंने पहले नारा नहीं लगा, आज नारा लगा दीजिए, माफ है, आइंदा से ऐसा होने ना पाए जी।
और बीमार हैं और बीमारों के लिए घर प्रसाद लेके जाना, तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद दे, मालिक खुशी से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। बाकी कहते हैं जी शादी में शराब पिलाई, सपने में दर्शन बता दिए, सेवा पर नहीं आए दर्शन होते बता दिए, नाम लेने से पहले जहां पे नारा लगा दीजिए इनको भी माफ। सेवा का स्पेशल प्रयास सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक सारी सारी रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते, मालिक दया में रहमत से नवाजे। भूत प्रेत वाले आए हैं जी, खड़े हो जाओ और चुपचाप खड़े हो जाओ, बोलना नहीं। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद, और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, खड़े रह गए तो भूत चला जाए, नहीं जाएगा जी। तो आप बैठ गए और आपका भूत प्रेत भी भाग गया, आपके अंदर कोई भरम भूत था वो सब निकल गया। अब हॉस्पिटल से दवाई ले लेना, क्योंकि भूत जाते जाते कई गड़बड़ कर जाता है, तो उसकी दवाई जरूरी है। आप हॉस्पिटल से अपने से दवाई ले, सुमन करके दवाई लेना, मालिक रहमत करने वाले हैं, आप कोई भूत बात नहीं आपके अंदर। यूथ वेलफेयर फेडरेशन महिला विंग ने नशे भ्रूण हत्या वैश्यावृत्ति व समलैंगिकता के खिलाफ किन्नरों के उत्थान के लिए आज खोवाली रोएड़ा आनंदगढ़ बड़ागुड़ा भंगू व छतरिया सरसा घमराना व धूरकोट लुधियाना कोट शमीर व गोनियाना कला बठिंडा आलो अर्क बख्तड़ी बखो पीर व खनौर संगरूर व श्री गंगानगर में रैली निकाली। आज कुल 20 रैलियां निकाली गई। खिजोवाड़ी पूर्व सरसा का गुरुजी ने लाचार व मजदूर बेटियों की शादी अच्छे घरों में करवाई है, यह कोई और नहीं कर सकता। पंचायत सेक्टर का गुरुजी ने आपको इतनी अच्छी प्रेरणा दी है जो आप लोगों को जागरूक कर रहे हो, लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं। आनंदगढ़ गांव रैली के समय सरपंच 3 पंचायती मेंबर अंत तक रैली में शामिल रहे। श्री गंगानगर के वरिष्ठ नेता ने कहा आप गुरुजी ने शास्त्राम जी के जन्मदिन पर जो साहसिक काम किया है वो आज तक किसी गुरु पीर फकीर ने नहीं किया, इससे समाज का सुधार जरूर होगा। बड़ागुड़ा SHO अजीत ने कहा कि महिला विंग द्वारा निकाली जाए ये रैलियां सराहनीय है और हम हर मदद के लिए तैयार। डॉक्टर पंकज ने कहा कि अगर प्रत्येक गर्भवती स्त्री का रजिस्ट्रेशन हो तो भ्रूण हत्या पर रोक लग सकती है। सभी जगह भ्रूण हत्या समलैंगिकता वैश्यावृत्ति आदि बुराइयों के विरोध हस्ताक्षर करवाएंगे। शाबाश बच्चों, शाबाश बेटा, मालिक दया में रहमत से नवाजे, बहुत बढ़िया बल्ले, शाबाश, बहुत ही अच्छी बात, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद। सो आप अपने लिए परिवार के लिए प्रसाद ले जाना, मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे, खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। आंखें दान महादान, ये आंखें दान सम्मति बलाक मलोट, नेत्रदानी बलवंत सिंह पुत्र बचन सिंह निवासी पुरानी सूरज नगरी अबोहर। आप जी की महिमा बड़ी अपार जी, जन कल्याण परमार्थी के आप लगाते हैं बार बार जी, मानवता भलाई के लिए आप रहते हैं हर समय तैयार जी, हर सेवा करते रहें इसी तरह और आप जी से हमें मिलता रहे इस तरह आशीर्वाद और प्यार जी, और प्यार जी। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद, उन्होंने ये कार्ड बनाया है जी, आशीर्वाद। और आप अपने लिए परिवार के लिए प्रशाले जाना, जिन्होंने आंखें डोनेट की उनके लिए भी प्रशाले जाना, सबको आशीर्वाद के नाम मालिक खुशियों से नवाजे बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, शाबाश आशीर्वाद। शादी वाले परिवार आए हैं जी, शादी वाले दोनों परिवार दिन दुखे मध्य में बैंक में 10,200 रुपए जमा करवा रहे हैं जी, आशीर्वाद। लड़की के परिवार के दो सदस्यों ने आज ब्लड डोनेट किया है, खूनदान भी किया है जी, बहुत आशीर्वाद। लड़का लड़की मरणोपरांत आंखें दान का लिखित में प्रण कर रहे हैं जी, बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशी दे। लड़के का नाम चरणजीत इंसा पुत्र प्रीतपाल सिंह इंसा जी का निवासी जोगा जिला मानसा पंजाब। लड़की का नाम मनप्रीत इंसा पुत्री जगर सिंह इंसा जी निवासी धनौला जिला बरनाला पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए।
आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और प्यारे सत्संग जी, आपने देखा ये दोनों परिवार, दोनों बच्चे शास्त्र में गिनने से पहले फोर्स विंग के मेंबर हैं, उसी वर्दी को अपना सबसे बड़ा तोहफा समझा और मालिक इनको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत बड़ी बात। शादी वाले अगले दोनों परिवार दिंदु के मध्य में बैंक में 12,770 रुपए जमा करवा रहे हैं जी आशीर्वाद। लड़का लड़की समेत दोनों परिवार के 9 सदस्य मरणोपरांत आंखें दान का पर्ण कर रहे हैं जी, सो आंखें दान महादान, बहुत आशीर्वाद। लड़के का नाम गुरप्रीत, इंसा पुत्र बंता सिंह, इंसान जी निवासी कल्याण नगर सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़के का नाम संदीप, इंसा पुत्री नाहर सिंह, इंसान जी निवासी ख्यो वाले जिला मुक्तसर पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। और प्यारी सत्संग जी, आपने देखा जी दोनों परिवार तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करते हैं और शादी वाले दिन भी मदद करना नहीं बोला, तो ऐसे घर में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घर में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं आशीर्वाद। अब हैं जी जिनके परिवार में किसी की मौत होगी, छोड़ा छोड़ने वाले परिवार खड़े होते जाना, जिनका नाम वाला जी कोट सुखिया फरीदकोट तो इन्होंने बेटी ने छोड़ा छड़े, नाम लिया उम्र 18 साल, परिवार दोनों पास आए, नेत्रदान भी की, नेत्रदान महादान और याद दिन दुखे मौत बैंक 5,000 रुपए जमा करवा दे आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। अगला बारा हिम्मतपुरा मोगा तो आया, इन्हों की पत्नी ने चोला छड़े, नाम लिया उम्र 18 साल, दिन दुखे मज उन्होंने याद च बैंक 1100 रुपए जमा करवा दे आशीर्वाद, खड़े हो जाओ जी। अगला बरा तुषाम भिवानी से आए, इनके माता ने चोला छोड़ा, नाम लिया उम्र 55 साल, परिवार दोनों तरफ आए, दिन दुखे मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवा रहे आशीर्वाद जी। अगला बरा बरनाला पंजाब तो, इन्होंने पिता ने चोला छड़े, नाम लिया उम्र 60 साल, परिवार दोनों पास आया, दिन दुखे मध्य बैंक 4500 रुपए जमा करवा रहे आशीर्वाद जी। अगला परिवार बरनाला पंजाब तो, इन्होंने बेटी ने चोला छड़े, उम्र 4 दिन की सी, बीबिया वाले पास परिवार आया आशीर्वाद बेटा। सो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही चली जाती है। सारा परिवार सिमरन करो, जो जख्म देता मरम भी वही देगा, सिमरन कीजिए। बाकी अस्थियां फूल लेके आए हो, अगर खुद का कहता गहरा गड्ढा खोद के वहीं दबा दो, या सारे परिवार वाले सिमरन करो, या फिर बड़ी नहर नदी में ये फूल नारा लगा के प्रवाह कर दो, मालिक आपको ताकत दे बेटा। ये तो मिट्टी है, आत्मा मालिक की गोद में चलेगी, ये तो मिट्टी है, और इसे कहीं भी आप बहा दें या दबा दीजिए। बाकी आशीर्वाद प्रसाद ले ले, मालिक आपको ताकत दे, शक्ति दे, और इधर भी प्रसाद ले ले, मालिक आपको हिम्मत दे। प्रसाद लेने के बाद ही बैठना है, बाकी साथ संगत में प्रसाद पहन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके आए तो बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। प्रसाद घरों में खुशियां दे, गाड़ी आराम से मोटरसाइकिल तो हेलमेट रखें, पेन है तो लगन से याद कीजिए, लिखाई कीजिए, विवाह शादी सुख सुविधा से संपन्न, गृह प्रवेश नारा लगा के जिस दिन मर्जी और जिस टाइम मर्जी कर लीजिए। और बेटा बेटी अगर आपके हुआ है तो मालिक से दुआ है, वो नेक अच्छा इंसान बने और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। तो जो भी सात संगत आश्रम है लाओ जी, अगर कोई रह गए तो जी, कोई परिवार रह गए हैं जी दात से। सास संगत ने थोड़ा सा समय प्यार मोहब्बत से सज रहना है, बैठे रहना है, उसके बाद जैसा आपका विचार, थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक दो मिनट के लिए।